नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा पहली में पाठ 16 मस्त कलंदर का भाग 2। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मस्त कलंदर का भाग 1 पढ़ लिया था। जब बच्चे कहाँ पहुँचे थे, बच्चे गए थे, सभी बच्चे चिड़ियाघर, है ना? आपने भी चिड़ियाघर देखा ना? हमने पाठ में चिड़ियाघर आपको दिखाया। आपने कौन कौन से जानवर देखे याद है ना आपको? हमने देखे थे उदबिलाव, मछलियाँ, और उदबिलाव क्या खा रहे थे? मछलियाँ खा रहे थे। और बंदर भी देखे थे, बंदर की आवाज़ भी सुनी थी हमने, है ना? तो आइए बच्चों, आगे की जो कहानी, जो चिड़ियाघर में और कौन कौन से जानवर है उसके बारे में इस पाठ में जानते हैं। अब बच्चे सभी चिड़ियाघर में पहुँच कर तो बहुत खुश हुए थे और बहुत सारे जानवर भी देख लिए थे। उसमें से जिराफ की गर्दन भी बहुत लंबी थी, इतना लंबी। हाँ, तो आइए अब देखते हैं और बच्चे ने क्या क्या देखे। बच्चे दौड़कर वहीं जमा हो गए, कहाँ? जहाँ सभी जानवर एक जगह थे। यह बिना पूंछ वाला बंदर बड़ा ही मस्त लग रहा था। कौन सा बंदर है ये? गिब्बन बंदर, जिसकी आवाज सारे चिड़ियाघर में गूंज रही थी। अपने पिंजरे की सलाखों पर उफान करता हुआ बहुत जोर जोर से ऊ ऊ चिल्ला रहा था, है ना? उसकी आवाज पूरे चिड़ियाघर में बहुत जोर जोर से आ रही थी। अब बच्चे उसे मस्त कलंदर, बन बंदर कहकर पुकार रहे थे। तभी बच्चे उसे किस नाम से पुकार रहे थे? मस्त कलंदर, गिब्बन बंदर, है ना? उसका उन्होंने नाम रख दिया था मस्त कलंदर, गिब्बन बंदर, है ना? यही कहकर उनको पुकार रहे थे। कभी कभी वह रुककर बच्चों को मुंह चिढ़ाता था। अब बंदर को आपने देखे होंगे, बंदर कैसे तरह तरह के अपने मुंह बनाता है, है ना? कभी अपने दांत दिखाता है तो कई तरह से अपने मुंह बनाकर सबको चिढ़ाता है, डराता भी है, है ना? कभी अपना सिर इधर उधर हिलाकर बड़े ही मजेदार ढंग से उछलता था वो। कभी कभी क्या करता था वो, अपना सिर को इधर उधर हिला लेता था और इधर उधर मजे से उछलता था, है ना? इधर उधर कूद फांद करता था वो। कभी अपना लंबा सा हाथ पिंजरे से बाहर निकाल लेता था, है ना? और पिंजरा रहता है चिड़ियाघर में, जो पिंजरे के अंदर गिब्बन बंदर कैद है ना, तो वह कभी कभी अपना हाथ उस पिंजरे से बाहर निकाल लेता था, जैसे वह कुछ मांग रहा हो, है ना? बच्चों ने शेर को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। अब बच्चों ने आगे और कौन से जानवर देखा? शेर। इससे पहले उन्होंने बंदर देखा, फिर शेर देखा। अब राजीव ने एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंक दिया, है ना? क्या किया राजीव ने? एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंका। शेर कूद कर झपटा, सभी डर गए। फिर अब राजीव को पत्थर नहीं मारना चाहिए था, है ना? तो पत्थर नहीं मारना है। शेर कूद कर जैसे ही झपटा, राजीव को बस बच ही गया। अब शेर को पत्थर मारा तो शेर ने उसके ऊपर एकदम जोर से कूद कर उसके ऊपर झपटा, क्योंकि वो पिंजरे में बंद था वो भी। लेकिन राजीव बच गया। अनिल ने राजीव को दिखाया, सामने लिखा हुआ था कृपया जानवरों को तंग ना करें, है ना? आपको भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अब आगे और कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी, सभी अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। सभी अपने अपने जो उनके लिए पिंजरा बनाया हुआ था, जो उनके लिए स्थान बनाया हुआ था रहने के लिए,
वो अपने अपने स्थान में घूम रहे थे। जगह जगह लिखा हुआ था कृपया जानवरों को कुछ ना खिलाएं, है ना। अब तक सभी बच्चे पूरी तरीके से थक चुके थे, फिर भी जाने से पहले एक बार गिब्बन बंदर की ओर चल पड़े। उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा था सभी बच्चों को? गिब्बन बंदर, उसे किस नाम से पुकारते थे? मस्त कलंदर गिब्बन बंदर। अब वह एक कोने में बैठा हुआ था, कौन? बंदर। अब मस्त कलंदर गिब्बन बंदर, ऐसा कुलदीप बोला, पर गिब्बन ने तो उधर देखा तक नहीं। वह भी तुम्हारी तरह मनमौजी है, ऐसा लीना बोली। मस्त कलंदर, तुमसे मिलने फिर आएंगे, कहते हुए बच्चे वापस चले गए, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कक्षा में हमने कौन सा पाठ पढ़ा? मस्त कलंदर। मस्त कलंदर हमने बच्चों ने किसे नाम दिया हुआ था? गिब्बन बंदर को। इसी नाम से उसको पुकारते थे, है ना। आपको भी यह पाठ पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। और हमने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे, ये इसकी जानकारी भी आपको हो चुकी है, है ना। तो आइए अब करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, सोते हुए शेर पर पत्थर किसने मारा? इसका जवाब आपको लिखने हैं। मस्त कलंदर बंदर का क्या नाम था? प्रश्न दूसरा, सही वाक्यों पर सही के स्थान पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, चिड़ियाघर में बच्चों ने सबसे पहले उदबिलाव देखे थे, क्या ये सत्य है? हाँ यह सही है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे सही का निशान। दूसरा, तालाब में दो बदके तैर रही थी। तीसरा, गिब्बन पूंछ वाला बंदर था। सभी जानवर अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। बच्चे वापस जाने से पहले गिब्बन बंदर के पास गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इसके सभी जवाब आपके लिखने हैं कि कौन से वाक्य सही हैं और कौन से वाक्य गलत हैं। प्रश्न तीसरा, अ, उ, त और प से दो दो शब्द बनाइए। आपको इन जो अक्षर दिए हुए हैं, इन अक्षरों से आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मस्त कलंदर पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। हमने चिड़ियाघर की सैर भी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।